हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गुजरात की फेमस कढ़ी जो तीखी मीठी और खट्टी बनती है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी परफेक्ट नाप के साथ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में 3 कप जितनी छाछ ले ली है, जो ना तो बहुत गाढ़ी है ना तो बहुत पतली है, और ये हल्की सी खट्टी है। यहाँ पर आपको बहुत खट्टी छाछ भी नहीं लेनी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून जितना बेसन, जिसको मैंने छान लिया था। अगर आप 1 कप छाछ की कढ़ी बनाते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून जितना बेसन लगेगा। तो यहाँ पे बेसन और छाछ का नाप आपको ध्यान से चूज़ करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो कढ़ी आपकी बिगड़ जाएगी। तो अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। बेसन को इस तरीके से घोल के डालने की वजह से इसमें गांठे नहीं पड़ेंगे, लम्स नहीं पड़ेंगे। तो अब इस मिश्रण के अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे, और इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून जितना गुड़। तो यहाँ पर हम 3 कप छाछ ली थी, तो इसके कंपेयर में हमें 3 टेबलस्पून जितना गुड़ मिलाना है। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 अदरक का टुकड़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि कढ़ी हमारी कड़वी लगती है, तो इसका रीज़न यही है कि आप अदरक ज़्यादा डाल देते हैं, इस वजह से वो कड़वी लगती है। अब इसको करीबन 15 मिनट तक अच्छे से इसे खौला लेना है। तो 15 मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में 3 टेबलस्पून जितना देसी घी लिया है। जी हाँ, देसी घी से इसका छौंका लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो जी घी जैसा ही हमारा गर्म हो गया ना, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जितना मेथी दाना डाला है, और मैंने गैस की फ्लेम कर दी है स्लो। अब इसके अंदर डाला है कड़ी पत्ता और 2 सूखी मिर्च और 5 से 6 लौंग। अब इसको स्लो फ्लेम पर चटकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अगर बघार आपका कच्चा रह जाएगा ना तो वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा। तो जो चीज़ है वो बघार की ही मेन रहती है। तभी बघार हमारा अच्छे से हो चुका है। तो इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फटाक से मैंने इसके अंदर डाल दी है हमारी कढ़ी। ऐसा करने से कढ़ी का कलर और स्वाद दुगना हो जाएगा। अब इस कढ़ी को हमें करीबन 5 मिनट के लिए उबालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है, ना तो ये बहुत गाढ़ी है ना तो ये बहुत पतली है। तभी इसे 5 मिनट के लिए खौलाने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुनी हुई कसूरी मेथी, जिसको हाथों की मदद से क्रश करके आपको इस तरीके से डालना है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये डालने की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया अरोमा आती है, साथ ही साथ टेस्ट तो दुगना हो ही जाता है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग ऊपर डालने की वजह से इसमें खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते करीबन 1/3 कप जितना। अब मैं कर दूंगी यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद, और इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, फिर इसे आप हम सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आया ना तो गैस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन का जरूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।